स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम अपनी प्रश्नावली 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे नाम हल कीजिए जो भिन्न दी गई है उसमें जो पूछ रहा है और पूछ रहा है जो करें की बाकी पूछ रहा है बाकी करें। तो पहला है 2 माइनस 3/5, ये भिन्न दे रखी है उसको हल करना है। तो अपन क्या करेंगे, ये 2 माइनस 3/5 जो दे रखा है इसमें आपको पता है ऊपर होता है और नीचे होता है हल। अब 2 योग्यांश और नीचे हल भी लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 का भाग 2 में तो होते हो, 1 ही लगाया क्योंकि 1 का भाग 2 में देने वापस क्या आएगा 2। 1 के बटा 2 के बटा में 1 लगाया जा सकता है, 1 लगाने में ये भी अंश और ये भी भिन्न बन जाए। ठीक है, अब करते हैं हल। तो 2/1 - 3/5 करने के लिए नीचे जो हल है 1 और 5 इसका लेते जा सको। हल क्या है, 1 और 5 का लसफ कितना आएगा, देखो लसफ आपको लेना आता ही है, 1 और 5 का लसफ। अब 1 तो 1 ही है तो मतलब ही नहीं है, 5 का भाग भी तो रहा है 5 में, 1 बार 1 ही आ गया मतलब पूरा भाग पूरा हो गया। अब कितना आया लसफ, 5 लसफ कितना आया, लसफ आ गया 5, कितना आ गया 5 लसफ, यहां रखते हैं 5 को। अब 1 का भाग पहले जो हर है हर का भाग देंगे 5 में, 1 का भाग 5 हो गया 5 बार, अभी 5 है इसको ऊपर वाले अंश से गुणा करते हैं 2 गुणा 5, 1 का भाग 5 किया 5 बार, 5 को 2 से गुणा करना है यानी 2 और 5 को गुणा क्यों कर रहे हैं क्योंकि 1 का भाग 5 में देने के बाद जो आएगी संख्या उसको ऊपर वाले अंश से गुणा किया जाता है, 5 आ गए 5 को गुणा किया 2 से 2 गुणा 5 माइनस 5 का भाग 5 में देंगे हर का भाग देंगे इसमें 5 का भाग 5 किया 1 बार, 1 को 3 से गुणा करो 1 गुणा 3। अब देखो बट्टा में 5 के 5 ही हैं, 2 को 5 से गुणा किया 10 माइनस का माइनस, 1 को 3 से किया 3 बट्टा 5 का 5, 10 में से 3 किया 7 और बट्टा में 5 का 5। अभी ये कटते हैं इसे मान लो दोनों ही एक ही पारे से कटे तो उनको काट भी सकते हैं, अगर नहीं कट रहे। अब देखो 7 और 5 दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आते मतलब ये दोनों एक ही पहाड़े से नहीं कटे। ओके, याद गया आंसर, दूसरा करते हैं आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो क्या है, 4+ दूसरा है 4+7/5। अब 4 के बटा में लगा दो अंश और ये बन जाएगा हर, और 7/8 के 7/8 क्या करनी है जोड़, 1 और 8 का लसफ कितना आएगा 8 ही आएगा, देखिए देख लेना लसफ आ गया 8, 1 का भाग 8 में गया 8 बार, 8 को गुणा करेंगे ऊपर वाले अंश से तो 8 को गुणा किया 4 से तो 8 गुणा 4+7+ 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को गुणा किया ऊपर वाले 7 से तो 1 गुणा 7। ठीक है, 8 को 4 से गुणा किया 32, 8 को 4 से गुणा किया 8 चौक 32 फिर प्लस का प्लस, 1 को 7 से किया 7 32 और 7 कितने हो गए 39 बटा में 8 ग्राम 8। अभी दोनों ही एक ही पारे में नहीं आते, एक ही पारे से नहीं कटेंगे या एक ही संख्या से नहीं कटेंगे इनको ऐसे कैसा नहीं हो। सिर्फ तीसरा है 3/5 + 2/7, 3/5 + 2/7 5 और 7 का लसफ ले लो, सबसे पहले 5 + 7 का लसफ, 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 5 का भाग 7 में नहीं गया 7 को ऐसे लसफ लिख दिया। अब 7 में सिर्फ 7 का भाग जाता है 1 का 1, 7 का भाग 7 रह गया 1 बार, अब पूरा हो गया 5 को 7 से गुणा करो 5 × 7 = कितना आ गया 35, लसफ आ गया 10 = 35। लसफ को याद किया
देंगे 35 को, 5 का 5 35 में देंगे, 7 बार जाएगा, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 गुणा 3 प्लस का प्लस, अब 7 का भाग देंगे 35 को 5 बार, 7 को 5 35 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 गुणा 2 7 किया 21 तो 21 फिर प्लस का प्लस, 5 को 2 से गुणा किया 10 बटा 35, 21 और 10 हो गए 31 बटा 35 का 35 ये हो गया है। तो तीनों कर लो, तो एक बार चौथा कर लेते हैं, यहाँ पे चौथा यहाँ कर लेते हैं, चलिए 9 बटा 11 माइनस 9 बटा 11 माइनस 4 बटा 15 ठीक है, 9 बटा 11 माइनस 4 बटा 15 11 और 15 के लस कर लेंगे, लस तो क्यों ले रहे हैं क्योंकि दोनों का हर क्या है, इसका हर क्या है, इसका हर है ना, जब हर अलग अलग हो तो लस पर लिया जाता है, ऊपर अंश और नीचे क्या होता है हर, इसके नीचे कितने 15 है, इसके नीचे 11, इसका 11 है इसका 15 है, इससे भी दोनों का लस पर लेना जरूरी है। 11 और 15 का लस पर लेंगे, सबसे पहले 11 में दो का वाली जाता, 3 का 2, 3 का 3 जाता, लेकिन 3 का पर 15 भी जाता है, 11 में जाता 11 ऐसे कैसे, का भाग 15 हो गया 5 बार, अब 5 का भाग देंगे 11 में जाता, 5 का भाग 5 में एक बार, फिर 11 का भाग देंगे 11 में एक बार दिया गया, अब 3 5 और 11 गुणा कर दो तो आ जाएगा लस पर, तीनों पंचा 15 15 इंटू 11 हो गया अपने 150 और 165 अपने आगे 165 लस पर आ गया 165 165 को यहाँ रख दो, 11 का भाग किसमें गया 15 बार, 15 को 9 से गुणा किया तो 15 गुणा 9 माइनस का माइनस, 15 का भाग किसमें गया 11 बार, 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 11 गुणा 4 ठीक है बेटा, 15 नंबर में कितने होते हैं, 15 नंबर में 135 ठीक है, तो इसको मैं इसको आप यहाँ से कर लेना आराम से साइड में बना, तो पहले हल करते हैं, 15 नंबर में 135 फिर माइनस का माइनस 11 चौक 44 बटा 165 165 135 में से 44 के पीछे बचे 35 और 9 हो गए 91 बटा 165, अगर 3 का भाग जाता है तो 2, 3 का भाग नहीं जाता तो ऐसा क्या ऐसा रहने दो ठीक है, सुना की बात, इन दोनों में किसी का भाग नहीं जाता है इसको ऐसे ऐसा रहने दो, ये आ गया ठीक है, मैं लिख देता हूँ 11 और 15 का लसप कितना आया था, 11 और 15 का लसप आया था 165 ठीक है, ये लिख दिया इसके साथ ही लिखना है ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको मिटा दो बेटा, आप लोग आराम से वीडियो को रोक के इसको कर ले ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट का भी दो है, पांचवा है 7 बटा 10 प्लस 2 बटा 5 प्लस 3 बटा 2 कुछ नहीं है, 3 संख्या है इसका इसका हर 10 इसका 5 इसका 2 तो लस पर ले लो 10 7 और 2 का लस पर यह लस पर 10 5 2 यहां 2 है यहां 10 या 5 सबसे पहले 2 का भाग देंगे, एक का भाग देने से कोई मतलब नहीं है, एक का भाग देंगे इसमें ये की संख्या वापस आएगी, जैसे सबसे छोटी संख्या एक के बाद कौन है, दो है ना, तो भाई एक के बाद एक से बड़ी दो, दो का भाग दें, दो का भाग दस में गया पांच बार, दो का भाग पांच में नहीं है पांच को ऐसा कैसा लिख दो, दो का भाग दो में गया एक बार, फिर पांच का भाग दो पांच में, पांच का भाग एक बार और फिर ये आगे दो गुणा पांच कितना है, दो और पांच को आप समझा करो आ गया दस, तो लस पर आ गया
दस, दस अंकों को याद रखो, दस को इसके बटा में यहाँ पे दस के दस का पांच दस हो गया एक बार, हर का भाग देना है दशकों में, ये हर है बाकी दशक है, हर का भाग दिया दशकों में, दस का भाग दस हो गया एक बार। अब एक को गुणा करना है सात से यानी ऊपर वाले अंश से, तो एक गुणा सात कर दिया, फिर दस का प्लस, अब इसकी बारी पांच का भाग दो दस में दो बार, दो को दो से गुणा करो, दो गुणा दो प्लस का प्लस, फिर दो का भाग दस में देंगे पांच बार, पांच को तीन से गुणा करो पांच इंटू तीन। ओके अब यहाँ यहाँ पे एक को सात से गुणा किया सात प्लस का प्लस दो दूनी चार प्लस का प्लस पांच किया पंद्रह बटा में दस का प्लस सात और चार ग्यारह और पंद्रह छब्बीस बटा दस, ये दोनों एक ही पार से करते हैं, दो का भाग इस छब्बीस में गया तेरह बार, दो का भाग इसमें गया पांच बार, तो आ गया तेरह बटा पांच। ठीक है ऐसे करेंगे। छठा है दो सही दो बटा तीन, दो सही दो बटा तीन प्लस तीन सही एक बटा दो, तीन सही एक बटा दो, इसको कैसे हल करेंगे देखो, ये मिश्र बिंद है, इसमें ये भाजक ये शेषफल और ये होता है भागफल। ठीक है तो अब इसको साधारण बिंद बनाने के लिए एक दो और तीन संख्या वाली है इसको मिश्र बिंद बोलते हैं, इसको साधारण बिंद बनाने के लिए क्या करेंगे, दो गुणा दो बटा तीन, तो इसको इसको आपस में गुणा करेंगे और वाले दो को जोड़ देंगे, तो तीन को दो से गुणा किया तीन गुणी छह, छह में दो तीन हो गए आठ, बटा में जो हर है वो तीन का तीन ही रहेगा, ये बन गया आठ बटा तीन। फिर इसको यहां लिख देते हैं तो मिश्र बिंद को ये एक दो तीन अंकों वाली क्या होती है मिश्र बिंद, तो मिश्र बिंद को सरल बिंद या साधारण बिंद में बदलते हैं, साधारण बिंद में बदलने पर। ओके अब दूसरा क्या है तीन सही एक बटा दो, तो तीन को दो से गुणा किया छह, दो को तीन से गुणा किया छह, दो किया छह एक जोड़ो सात बटा दो, ये बन गया आठ बटा तीन, ये बन गया सात बटा दो। अब इन दोनों का जोड़ करो, यहां करते हैं जोड़, दो से दो बटा तीन क्या बन गया आठ बटा तीन, और तीन से एक बटा दो क्या बन गया सात बटा दो। ठीक है अब इन दोनों के बीच किसका निशान था प्लस का, यहां पर क्या जाएगा प्लस, तीन और दो का लसक तो लिया आ गया छह, तीन और दो का लसक को लेना छह आएगा, तीन और दो का लसक हो अरे दो का भाग देंगे क्योंकि दो इसमें है, दो का भाग दो बन गया एक बार, तीन में नहीं जाता तीन को ऐसे कैसे लिख दिया, तीन का भाग तीन में गया एक बार एक का तीन, दो को तीन से गुणा किया दो दिया छह, लसक का आ गया छह, तीन का भाग छह में गया दो बार, दो को आठ से गुणा किया सोलह, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखना चाहूँ लिख तो चलो, तीन का भाग छह में गया दो बार, दो को आठ से गुणा करो दो गुणा आठ प्लस का प्लस, दो का भाग छह में गया तीन बार, तीन को सात से गुणा किया इक्कीस, तीन का भाग छह में गया दो बार सोलह, दो का भाग छह में गया तीन बार तीन करते इक्कीस, तीन इंटू सात। ठीक है अब इसको बिठा दो एक बार दस रुपये वाले को बताओ पहले ही दस रुपये कैसे लेते हैं, आठ तीन सोलह प्लस सात दिया इक्कीस बट्टा छः, इक्कीस और सोलह जोड़ा सैंतीस बट्टा छः, अब सैंतीस और छः की बात से नहीं करते इसको ऐसा कैसा है हमने तो ये हो गया। फिर एक और लास्ट है सातवां, आठ सही एक बटा दो माइनस तीन सही पांच बटा तीन सही पांच बटा पांच, मिश्र बिंद है तो मिश्र बिंद को सरल बिंद बनाने का, मिश्र बिंद को सरल बिंद बनाने पर, अब ये मिश्र बिंद है एक दो तीन
संख्या वाली, तो अब दो को आठ से गुणा किया, दो अट्ठे सोलह और एक को जोड़ो, कितने हो गए सत्रह बटा दो, माइनस का माइनस आठ के चौबीस को तीन से गुणा करो, आठ के चौबीस और पांच को उनतीस बटा में आठ का माइनस का माइनस और आठ का बार में एक बार एक को इंटीज बन गया तो एक गुना इंटीज बराबर देखो सत्रह इंटीज चार कितने हो गए सत्रह चौक अड़सठ माइनस एक को इंटीज दिया उन्तीस बटा हाँ अड़सठ में से उन्तीस गए बराबर से हो गए नौ और पांच में से दो गए तीन उनचालीस बटा पांच दस बटा आठ इससे भी नहीं कट रहा ये ऐसा कैसा रहेगा इसको नोट कर लो ये हो गया कंप्लीट तीनों हो गए कंप्लीट चलो चलो इसको नोट कर लो तो आज के लिए इतना ही कल हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ ठीक है लेकिन आज मुझे करवाया है इससे रिलेटेड मैं आपको दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में वो कर क्या है तो बिठा रहा हूँ वीडियो को रोक के आराम से कर लें आज के लिए होमवर्क है आपका एच डब्ल्यू टू दस संडे है तो आज उन्तीस आठ बीस का जो होमवर्क है हल कीजिए फर्स्ट है दो बटा तीन प्लस सात बटा चार उनका जोड़ करना है एक है बाकी का है पांच बटा पांच माइनस तीन बटा चार ठीक है तीसरा है दो से एक बटा तीन माइनस दो से एक बटा चार ठीक है और चौथा है ठीक है एक और तीन क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के रूप में घर पे करके आए हैं आप सबको करने ठीक है बेटा ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू धन्यवाद